वेलकम टू इंडिया स्टडी दोस्तों, आज 29 जनवरी 2020 और 29 जनवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते थे वो सारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। ठीक है, तो किस राज्य का दृश्य को गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छा चुना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम राइट आंसर हो जाएगा। असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है गणतंत्र दिवस में। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2022 तक भारत सरकार 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, CAA को समाप्त करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, CAA समाप्त करने की मांग करने वाला चौथा राज्य, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल बन गया है चौथा राज्य CAA को समाप्त करने की मांग करने वाला है। चलते हैं दोस्तों फोर नंबर क्वेश्चन पे। फोर नंबर क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ठीक है, के फ्रांसीसी सम्मान के लिए किस भारतीय थिएटर व्यक्ति को चुना गया है। ठीक है, तो किस व्यक्ति को चुना गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संजना कपूर को चुना गया है। ठीक है, संजना कपूर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों फाइव नंबर क्वेश्चन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा, गांधीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन। चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की हर साल जयंती कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 जनवरी को मनाई जाती है लाला लाजपत राय की जयंती हर साल। चलते हैं दोस्तों सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के नागरिकों को राष्ट्र का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो किस देश के नागरिकों को सऊदी अरब जो है अनुमति नहीं देगा अपने देश आने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, इज़राइल। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, इज़राइल के नागरिक सऊदी अरब का दौरा नहीं करेंगे। चलते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे। एट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एट का राइट आंसर हो जाएगा सी, मैरी कॉम को दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार एम सी मैरी कॉम को। चलते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे। नाइन नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन हाल ही में भारतीय शहर के किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन किस आयोजित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी, कोणार्क में आयोजित किया गया था। चलते हैं दोस्तों दस नंबर क्वेश्चन पर और आज का लास्ट क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की भावना का जश्न मनाने वाला वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2020 की मेजबानी करता है। ठीक है, तो भारत पर्व की मेजबानी कौन सा शहर करता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में होता है। ठीक है, नई दिल्ली करता है भारत पर्व का मेजबानी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे थे 29 जनवरी 2020 के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।